आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। जम्मू के पुंछ इलाके में आतंकी हमले के दौरान शहीद वीर जवान सारस सिंह शहीद हो गए थे, जिसके बाद जब उनका पार्थिव शरीर फूलों से लदी सरकारी गाड़ी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पहुंचा, तो मानो जन सैलाब उमड़ पड़ा। सभी ने नम आंखों से भारत माता की जय के नारे लगाए और शहीद को नमन किया। शहीद के पैतृक गांव अख्तियारपुर धौकल में उनका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, जहां हजारों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर भाव विभोर होकर शहीद सारस सिंह को अंतिम विदाई दी। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सहित तमाम सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार की तरफ से शहीद के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता की राशि का चेक भी सौंपा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अमर शहीद सारस सिंह जी के परिवार के लिए उनकी पत्नी को और उनकी माँ को आर्थिक सहायता भेजी है। मैं विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का संदेश मैंने उनको पहुंचाया। अमर शहीद की मां को 15 लाख रुपया और अमर शहीद की पत्नी को 35 लाख रुपए का आज हमने दस्तावेज सौंपा है। उनके नाम से एक सड़क भी उसका भी नामकरण होगा, जैसी कि मुख्यमंत्री जी पहले घोषणा कर चुके हैं, और साथ ही साथ उनके परिवार को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। लेकिन आज के इस श्रद्धांजलि समारोह में मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित मानता हूं कि हमने उनको कंधा भी दिया और उन्होंने शाहजहांपुर का पूरे खानदान का नाम रोशन किया। ये हमारे सबके लिए प्रेरणा की बात है। शाहजहांपुर से कमलेश शर्मा, पब्लिक न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।